भैया इतना बड़ा बॉक्स, मजा आएगा वीडियो में। तो भाई ये है सैमसंग की तरफ से आने वाला एक 32 इंच का स्मार्ट टीवी। अनबॉक्सिंग करने वाले भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन अभी इसको खोल के देखते हैं एक्चुअल में उस लायक है या फिर नहीं है। तो भाई फटाफट से इसको खोलते हैं, देखते इतने बड़े बॉक्स में क्या क्या मिलता है। पहले तो चीज भाई, ओ भाई 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 यहाँ पे ये आया हमारा स्मार्ट टीवी। बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, तो ये मेन चीज है। क्विक गाइड आपको मिलता है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, क्विक सेटअप गाइड मिलता है। बाकी सारी चीजें भाई इसका कोई जरूरत नहीं है। हमारा वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी होशियार। एक पावर कॉर्ड आपको मिलते हैं, उसके साथ 3 पिन केबल मिलते हैं, उसके साथ एक छोटा सा एडाप्टर आपको मिलता है, यहाँ पे 2 सेल मिलते हैं एंड ये आपको रिमोट यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो पैकेजिंग देखो, यहाँ पे आपको थर्माकोल का जो है प्रोटेक्शन मिलता है। ये है भाई, इसका घूंघट पहले उठा लेते हैं। उसके साथ यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा थर्माकोल मिलता है। ये निकला हमारा स्मार्ट टीवी, मस्त है ना भाई। मजे की बात बताता हूँ, ये स्मार्ट टीवी हमें दिया है धनवंती इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर आप कोल्हापुर या फिर उसके आसपास रहते हो तो ये पार्ट आपके लिए। इवन अगर आप कोल्हापुर के आसपास भी नहीं रहते तो यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन भी इन्होंने रखा है, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके सारे प्राइजेस चेक करके यहाँ पे परचेस कर सकते। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, इस तरीके के सारे अप्लायंसेस आपको इस स्टोर में मिल जाएंगे एंड ये एक रूफ के अंडर है। उसके साथ साथ टीवी, स्मार्टफोन के सारे मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी कन्वीनियंट होगा। एंड दिवाली ऑफर में ये अप्लायंसेस आपको ऑफर प्राइस में भी मिल सकते, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने एंड हमारा नाम बताओगे तो भाई एक्स्ट्रा का डिस्काउंट तो चिपका ही दे, तो कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। पहले तो चीज ये देख के आप बोल रहे होंगे भाई इसका स्टैंड किधर है, तो बॉक्स के अंदर आपको स्टैंड नहीं मिलता, आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। इवन अगर आप सैमसंग सेंटर को कॉल करोगे तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं अलग से, यहाँ पे नहीं आता। तो जब इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आएगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो भाई हम इंस्टॉलेशन से पहले जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जुगाड़ हमने बिठाया है आपको दिखाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे पन्निया हटाया है। A few moments later. भाई फाइनली हमारा स्मार्ट टीवी ऑन हो चुका है एंड देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ही दिखाई दे रहा होगा। पहली तो चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, क्या क्या पोर्ट्स मिलते हैं। एक चीज मुझे पूरी लगी, एक ही यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, तो पेन ड्राइव वगैरह डालना चाहते हो तो एक ही डाल सकते हो। उसके साथ 2 HDMI के पोर्ट मिलते हैं, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, एक लैन पोर्ट मिलता है, उसके साथ एक एंटीना पोर्ट आपको दिखाई देगा, AV पोर्ट एक आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पोर्ट्स मिलते हैं एंड भाई यहाँ पे स्मार्ट टीवी का डिजाइन देखेंगे तो बेजल्स काफी छोटे मिलते हैं। सैमसंग का नीचे जो है लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा एंड छोटे बेजल्स की वजह से स्क्रीन आपको थोड़ी सी बड़ी लगनी लगती है। वैसे तो है ये 32 इंच का स्मार्ट टीवी, बट जब भी आप मूवीज वगैरह देखोगे तो इन छोटे बेजल्स की वजह से थोड़ी सी स्क्रीन वाइड लगने लगती है, तो मूवीज वगैरह देखते वक्त काफी मस्त लगेगा आपको। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमोट के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो चीज है, इतने सारे बटन दिए कि आप कंफ्यूज हो जाते हो फर्स्ट टाइम कि भाई कौन सा किस हिसाब से यूज करना है, समझ में नहीं आता। चाउमी का अगर आप रिमोट देखोगे तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 बटन वहां पे दिखाई देते हैं, उन 4-5 बटन के ऊपर पूरा टीवी वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बटन दिए तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसके साथ 2 ही OTT के आपको बटन मिलते हैं, एक जो है नेटफ्लिक्स एंड दूसरा जो है प्राइम वीडियो एंड यहाँ पे मेजर मिसिंग है वॉइस कमांड का बटन, जो कि भाई होना ही चाहिए आज की डेट में, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। उसके साथ ये रिमोट बैक से वर्क नहीं करता, एक चीज है क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है, आपको आगे से ही इसको यूज करना पड़ेगा, तो ये चीज है। टॉमी की टीवी में अगर आप दूसरे रूम में होगे तो भी टीवी को ऑपरेट कर सकते हो रिमोट से, तो ये खासियत होती है ब्लूटूथ रिमोट की। हर एक स्मार्ट टीवी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। चाउमी का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, वन प्लस का अलग है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है उसका नाम है टाइजन एंड ये काफी डिफरेंट है चाउमी से। अगर कंपेयर करें तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे यूज में, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर यूज करना चाहोगे तो भाई है थोड़ा सा डिफिकल्ट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो डिफरेंट मूवीज वगैरह ऑन द गो देख सकते हो, जो नए रिलीज है, म्यूजिक वीडियोस होंगे या फिर नॉर्मल मूवीज होंगे या फिर वेब सीरीज होंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे से जो है वो चूज कर सकते हो काफी आसानी से। तो ये चीज है, दोनों में सेम है शाओमी में एंड इसमें। उसके साथ साथ और एक चीज मुझे यहाँ पे बुरी लगी, थोड़ा सा लैग मिलता है जब भी आप स्मार्ट टीवी ओपन करते हो, तब आपको
वो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके साथ साथ जब भी आप यहाँ पे बटन प्रेस करते हो इंस्टेंट जो है रिएक्शन यहाँ पे नहीं मिलता, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं बटन दबाता हूँ, उसके बाद जो है ये रिएक्ट कर रहा है, देखो। तो मतलब छोटा सा लैग आपको मिलता है यहाँ पे। ऑन द वे आप सारे एप्स ओपन कर सकते हो, यहाँ पे ऐप की खुद की गैलरी भी है जहाँ से एप्स आप एक्स्ट्रा के डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि जी फाइव हो गया या फिर लाइन्स गेट हो गया, जो भी मूवीज के या फिर गेम्स के वगैरह एप्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। एक बेस्ट चीज यहाँ पे है कि आप अपना कीबोर्ड एंड माउस यहाँ पे कनेक्ट करके इसको एज अ पर्सनल कंप्यूटर करके यूज कर सकते हो। ये एक बेहतरीन एड ऑन है। यहाँ पे आप एक्सेल यूज कर सकते हो क्योंकि ऑफिस 365 का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। काफी अच्छे से आप वर्क कर सकते हो, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर सकते हो, तो उसकी वजह से लैपटॉप के ऊपर का वर्क डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी अमेजिंग है, ये आपका यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली बढ़ाएगी। जो लोग फ्री में कुछ चाहते हैं भाई, यहाँ पे 300+ आपको चैनल्स मिलते हैं फ्री में, आपको अलग से कोई डिश टीवी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो। एंड और एक बोलता हूँ, सिर्फ आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी इन चैनल्स को लोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई एंटीना वगैरह नहीं लगा रहे, डायरेक्टली वाईफाई होगा तो ये आसानी से रन कर जाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन जो है काफी ब्राइट है, कलरफुल डिस्प्ले आपको मिलता है। ये एक HD रेडी टीवी है, ये फुल HD नहीं है, तो ये पहले ध्यान में रखो, क्योंकि इसका पिक्सल रिजोल्यूशन जो है वो 1366x768 pixels है। तो यहाँ पे आप 1080p वीडियोस अच्छे से देख पाओगे, एंड यहाँ पे HDR का भी सपोर्ट है। तो YouTube के ऊपर जाओगे तो आपको HDR का सपोर्ट मिलेगा, Netflix के ऊपर भी आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से स्क्रीन की क्वालिटी काफी बढ़ जाते हैं। कलर्स काफी अच्छे लगे मुझे, ब्राइट कलर है एंड वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। इवन जो है ब्लैक्स वगैरह भी देख सकते हो, काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो इस प्राइस रेंज में यही बोलूंगा दिस इज द बेस्ट टीवी। बट यहाँ पे भी आपको सेम वही प्रॉब्लम मिलता है, नजदीक से अगर देखोगे तो थोड़ा सा पिक्सल्स आपको दिखाई देंगे, जो कि पिक्सेलेटेड डिस्प्ले थोड़ा सा लगता है। बाकी ऑल द वे डिस्प्ले काफी अच्छा है, 60Hz का ये डिस्प्ले आता है, एंड भाई ओवरऑल क्वालिटी बेस्ट है। अभी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें 1.5 GB की रैम आती है, तो थोड़े बहुत जो है एप्स आराम से आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। एंड उसके साथ साथ 20W के स्पीकर आते हैं, 20W मतलब दो स्पीकर आते हैं, एक जो है यहाँ पे 10W का, दूसरा जो है इस साइड में 10W का। इस तरीके से जो है 20W का जो है स्पीकर मिलता है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, 100% वॉल्यूम के ऊपर भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा साउंड कम आ रहा है, बट अगर आप छोटे से रूम में इसको यूज करना चाहते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़ा हॉल होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दोस्तों जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे यहाँ पे पिक्चर में आपको पिक्चर मोड मिलता है, इसमें भी तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड है, डायनामिक है, उसके साथ नेचुरल है, मूवी है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो कलर रेंज अच्छे लगते हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, जो बहुत सारे टीवीज में नहीं मिलता। एंड यहाँ पे देखो साउंड भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, साउंड में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये एम्पलीफाई है, ऑप्टिमाइज्ड है, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो कस्टमाइजेशन। इवन यहाँ पे आपको पिक्चर ऑफ करके एक ऑप्शन आता है, जैसे ही दबाते हो आपका साउंड तो ऑन रहेगा लेकिन आपकी टीवी की स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी, तो आप जब चाहे उसको ऑन भी कर सकते हो। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर दी गई है जो मुझे काफी अच्छी लगी है। इवन यहाँ पे कनेक्शन गाइड करके ऑप्शन मिलता है, जो जो आपने कनेक्ट किया टीवी के साथ वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने स्मार्टफोन किया तो स्मार्टफोन की पूरी जो डिटेल है यहाँ पे दिखाई देंगे, गेम का मोड जो है आप ऑन कर सकते हो, गेमिंग कंसोल वगैरह कनेक्ट किया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो भी क्यूरियस हो डायरेक्टली वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं बार इस वीडियो के साथ कितने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।